मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड होकर रहेगा। हन्ना लेफ्ट नेता है, ये कह रहे हैं। पहली मीटिंग में शामिल हुए थे हन्नान मोल्ला और उन्हीं का कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, एक और ये कहा जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल है ये आंदोलन। दूसरी ओर लेफ्ट पार्टी किस तरीके से लगातार इस आंदोलन को उकसा रहे हैं। हन्नान ये देखिए, पहली मीटिंग में वो लगातार मौजूद रहे, उसके बाद जब मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया, आगे की मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, तो इस आंदोलन को कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है। सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या, गैर के नाम है, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा। बिल्कुल किससे शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी यार? बातचीत करने वाली कोई बात ही नहीं बची आज तो। बातचीत किसी मुद्दे से तो शुरू हुई होगी, कानून रद्द करने की मांग है, MSP के नए कानून। ये तो हमारी तो मांग है, ये तीनों कानून रद्द कराने हैं। अरे वो सरकार की मांग है भी, हमने करने नहीं है, सरकार करने नहीं है, तो फिर हमने बोला हमको मार दो। गहमागहमी हुई सर, आप लोगों ने पोस्टर्स भी दिखाए सरकार को? ना पोस्टर नहीं, कोई नकदी लगाई थी आप लोगों ने कि सरकार को हराएंगे, हम ही जीतेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम जीतेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आप अंदर ही मुकदमे की तारीख है। हाँ, एक और बैठेगी, 15 तारीख है। सरकार को अल्टीमेटम आपने क्या दिया है? नहीं हमें क्या अल्टीमेटम देना, अपनी तैयारी करेंगे भाई, आंदोलन है, तैयारी करेंगे। लेकिन 15 जनवरी एक और तारीख, आपको लगता है तारीख पर तारीख ही मिल रही है? तारीख पर तारीख है, बिना मुकदमे की तारीख है। लेकिन कुछ हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? हल निकल जाएगा, जब निकलेगा, अभी तो महीने दो महीने रहना यहाँ पे, ऐसे ही हल निकल जाएगा। कोई संगठन इतना हल्का है कि ऐसे हल निकल जाएगा? लेकिन सरकार लगातार समझा रही, सरकार का रुख सकारात्मक लग रहा है। समझा रही, वो क्या मास्टर है कि समझा रही हमें? कैसी दलीला की दी आज उन्होंने जवाब? वो कुछ नहीं, आज पुड़िया लेके आए थे, कुछ जगह मान जाएंगे किसान। किसान बिल वापसी से पहले नहीं मानना। तो लगता कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने लगातार दो दिन तो मीटिंग चल रही है। हाँ, मीटिंग समझा के भेज रखे हैं। राकेश जी, दोबारा नहीं बुलाएगा, बातचीत हुई है, दोबारा आएंगे, फिर बैठेंगे। आएंगे 15 तारीख को, फेरा होगा? हाँ फेरा होंगे, कोई इतने कमजोर है कि नहीं आएंगे, कोई डर गए। राकेश जी, सरकार कह रही है कि कुछ लोग मान गए थे, हम लोगों ने कहा। हाँ बात नहीं करते, लेकिन आप लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? नहीं तो फिर ये कहेंगे कि हम बुला रहे हैं, आ नहीं रहे, हम आएंगे। डायलॉग इतनी देर बैठा के मोड़ देता जाता, आप दो? अरे हम तो 4 महीने खेती में बीज डाल के खेत में उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, उसका भी तो इंतजार करते हैं ना, 4 महीने। सरकार के लिए कुछ लोग मान जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे। नहीं, एक आदमी नहीं कोई मान रहा है, गलत, एक भी आदमी नहीं है मान रहा है। क्या किसी भी किसान में समर्थन नहीं बना? नहीं बना। क्या सबने एक साथ हामी भरी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एक साथ हामी भरी, बिल वापसी चाहिए। अगली सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग को लेके क्या बताएंगे? अब पता नहीं, हम तो नहीं जा रहे, कोई पता नहीं कौन जा रहा, वहाँ जा रहेगा। कहा कि आप लोग को मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जो कुछ भी हो, क्या ऐसा भी कुछ कहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए जा रहे, तो जाए उसका क्या हुआ आता है डिसीजन, उसकी जानकारी नहीं। तस्वीर राकेश, लेकिन राकेश जी, आप लोग की अगली रणनीति क्या है? जी राकेश जी, अगली रणनीति क्या है? हम तो यही रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ जहाँ बैठे वहीं पे ही रहेंगे हम। सर आज क्या हुआ मीटिंग में? आज उसी वही बात हुई, वो संशोधनों पर बात करना चाहती थी बिंदुवार, हम क्लोज वाइज बात नहीं करना चाहते, हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि बिल वापसी हो। ये आप किस चीज पर सहमति बनी? नहीं सहमति क्या, यहाँ को समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हमारे यहाँ, उसका समझौता पत्र थे कोई यहाँ पे, सरकार ने हमारी नहीं बात माननी, हमने सरकार की नहीं माननी, आज क्या फिर 15 तारीख में बैठे। हर बैठक में सरकार एक ही बात।